उसने 9.5 साल से राज्यवर्धन सिंह जी यहाँ पे एमपी है, 22 वार्डों में 1 रुपये काम नहीं करा है। पहले 7 वार्ड थे उसमें 1 रुपये काम नहीं हुआ, 22 वार्ड है मेरी जानकारी में 1 रुपये काम नहीं करा। अब अचानक 1300 उम्मीदवार बन के आगे ये चुनाव जीतेंगे नहीं उपड़ जाता है कि भाई राजपाल सिंह जी को भारी मदद विजय होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजपाल सिंह को जुड़वा का उम्मीदवार मैं आला कमान जी ये बताना चाहता हूँ कि 90 की दशक में जो नेता एक ईमानदारी और कर्म का योद्धा बना, सर आज बैरी सिंह जी ने उनको निखार के सबसे ऊपर किया और पूरी तन मन धन से इतनी ईमानदारी से जिसका केंद्र मतलब पूरा राजस्थान ही नहीं केंद्र भी इस बात का परिचय है कि राजपाल सिंह जैसे ईमानदार नेता पूरी भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। तो ईमानदारी और कर्मयोद्धा को यदि कोई दरकिनार करके ऐसे व्यक्ति को लोगों के बीच में भेजे जो कभी मिलने के इच्छुक भी नहीं रहते हैं, मैं कहता हूं कि ईमानदारी और कर्मयोद्धा को यदि दरकिनार किया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को प्रदेश को राष्ट्रीय नेतृत्व को इस टिकट पर पुनः विचार करके भारतीय जनता पार्टी राज्यवर्धन जी की जगह राजपाल सिंह शेखावत को पुनः टिकट दें जिसमें जनता का रोष भी कम हो और ईमानदारी की सबसे बड़ी एक मिसाल कायम हो। मंडल उपाध्यक्ष झोटवाड़ा मंडल पूर्व, मैं अपने आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर माननीय राजपाल सिंह जी का टिकट काट कर आपने ऊपर से पैराशूट उम्मीदवार जो उतारा है सांसद दो जो 9-10 साल में साढ़े किसी भी कार्यकर्ता से आके मिले नहीं है, झोटवाड़ा में कभी किसी का हालचाल जाना नहीं है, उनका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करते हैं। और पार्टी अगर हमारा कहना नहीं मानेगी तो हम मैं और मेरे साथी पदाधिकारी सब साथ में इस्तीफा भी देंगे और हम राज्यवर्धन जी को बिल्कुल हरा के बेचेंगे और इसका इफेक्ट झोटवाड़ा सीट होना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये पूरे राजस्थान के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मेरा गांव झोटवाड़ा सुरियावास है और हमें राजपाल सिंह जी को जाते हैं, राजपाल सिंह को टिकट दिया जा रहा है। तो राज्यवर्धन सिंह जी 8 तहसील के मालिक थे, उसको इतने तहसील का चुनाव में क्या जरूरत थी उनको लड़ने की, पहली बात तो ये है। और अगर राजपाल सिंह जी को टिकट नहीं दे रहे हैं तो इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजपाल सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी को सम्मान रूप से मानते हैं और सभी को सम्मान में देखते हैं। आज राजपाल सिंह जी की जगह नेता वो ईमानदार नेता जैसे 200 विधायकों में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार से लेके आज भी है, आज उनको कुर्सी नहीं चाहिए वो नीचे भी बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट काटा है ये बुरा किया है, हम इसका पूरा हम विरोध करते हैं और हमारे राजपाल सिंह को टिकट दिया जाए ताकि ये सीट अच्छे वोटों से निकलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऊपर के अधिकारी हैं वो अधिकारी है ना जो जैसे हम बताते हैं कि वसुंधरा जी को अगर साइड में करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको क्या पता कि राजस्थान में क्या हो रहा है, उनको क्या पता कि राजस्थान में कितनी ये कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। आज राजस्थान में इतना भयंकर हो गया कि आए दिन बलात्कार, आए दिन डकैती, आए दिन भ्रष्टाचारी हो रही है। इस कारण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो टिकट जो दावेदार जीतने वाले हैं उनको टिकट दिया जाए, और जैसे कि अगर ये टिकट नहीं दिए गए और ऐसा किया गया तो पिछली बार देखा था कर्नाटक वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो मेरा ये पुनः निवेदन है कि राजपाल सिंह जी शेखावत को टिकट दिया जाए और राजपाल सिंह को भारी बहुमत से ये सभी कार्यकर्ता उनके साथ है और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से हम जिताएंगे। इसके आस पास में जो कि पिछली बार हमने देखा कि जयपुर का मन देखने को मिल रहा है कि जयपुर की पूरी सीटें अगर उन अच्छे कैंडिडेटों को टिकट दिया जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि जयपुर जिले की एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाएंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पुनः विरोध करते हैं कि हम राजपाल सिंह जी को टिकट दिलाना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो पैराशूट है और वो जीत नहीं सकते हैं। ये जो हमारे आक्रोश देख रहे हो आप, जनता का भारी आक्रोश है, ये पूरे झोटवाड़ा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है
हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कह रहे हैं कि हमें राजपाल सिंह जी चाहिए जोटवाड़ा में। अगर और दूसरे किसी कैंडिडेट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक राजपाल सिंह जी को टिकट नहीं मिलता है हम चैन से नहीं बैठेंगे। बड़ा ये सीट भारतीय जनता पार्टी खो देगी। हम भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हम निवेदन करते हैं सभी ऊपर बैठे हुए पदाधिकारियों से, आला कमान से, कि इस टिकट पर बात की जाए और ये टिकट वापस राजपाल सिंह जी को दिया जाए। आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, किस तरह का प्रदर्शन है ये प्रदर्शन? हमने पहले सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के एक मीटिंग करी जिसमें हजारों की संख्या में, जो आप खुद देख रहे हो, आपके कैमरे से देख रहे हो, उस मीटिंग के बाद में हमने तय किया कि आज हम मौन जुलूस निकालेंगे। तो काली पट्टी बांध के हम सब मौन जुलूस निकाल रहे हैं कि हम राउंड गेट से लेकर गोविंदपुरा चौराहे तक जाएंगे, गोविंदपुरा चौराहे से वापस राउंड गेट तक आएंगे।